नमस्कार दोस्तों, जेबीके इंग्लिश वीडियोस एंड क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसा कहना चाहिए ये सीखने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश सीखने के कई तरीकों में से ये भी एक तरीका है। चलिए देखते हैं वो क्या सेंटेंसेस है और उनको इंग्लिश में कैसे कहा जाता है। सबसे पहले, जितना पैसा आपने दुबई में कमाया है उतना पैसा मैं भारत में ही कमाया हूं। I have earned as much money in India itself as you have earned in Dubai. रजनीकांत जी ने हिंदी से ज्यादा तमिल फिल्मों में एक्टिंग किया है। रजनीकांत acted more in Tamil films than in Hindi films. नाना जी का देहांत होकर 10 दिन भी नहीं हुए और आप घर में न्यू ईयर पार्टी मनाना चाहते हो। It hasn't been even 10 days since grandfather passed away. And you want to celebrate New Year party at home. पिछले दो घंटों से आप फोन पर किससे बात कर रहे हो? Who have you been talking to on phone for the last 2 hours? ये सेलफोन चार्जर आप जहां से लेके आए हो वहीं पर रख दो। Keep this cell phone charger where you have brought it from. मुझे नहीं मालूम आप कौन हो। I don't know who you are. अगर ये आपका बेटा होता तो क्या आप उसे ऐसे ही मारते? If he were your son, would you beat him like this? अगर दवाइयां नहीं होते तो आज हम सब जिंदा नहीं होते। If medicines were not there, we wouldn't be alive today. क्या उसने आपसे कहा कि वो आपसे शादी करेगा? Did he tell you that he would marry you? उसने आपसे कब कहा कि वो आपसे शादी करेगा? When did he tell you that he would marry you? चलो देखते हैं इन 10 सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए हमें ग्रामर में क्या क्या सीखना पड़ता है। सेंटेंसेस 1 और 2 के लिए कंपैरिजन, सेंटेंसेस 3 और 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और सेंटेंसेस 5 और 6 के लिए क्लॉजेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, सेंटेंसेस 7 और 8 अनरियल कंडीशनल्स, सेंटेंसेस 9 और 10 इनडायरेक्ट स्पीच। और हमारे आने वाले वीडियोस में हम ये सब सीखने वाले हैं, इसीलिए देखते रहिए जेबीके इंग्लिश वीडियोस एंड क्लासेस। हैव अ ग्रेट टाइम और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। थैंक यू।